नमस्कार, मैं उमा और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ डिजिटल मीडिया। पानी जो कि हमारे और आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और पानियों का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स होती हैं नदियाँ, जो कि दिन पे दिन ख़त्म होती जा रही हैं, सूखती जा रही हैं, और हमसे ये गुजारिश कर रही हैं कि हमें उनकी बात सुननी चाहिए। अगर हमने उनकी बात अभी नहीं सुनी तो टाइम हमारी नहीं सुनेगा। इस समस्या को सबसे पहले सद्गुरु ने भाग लिया। सद्गुरु का नाम आप सब ने सुना होगा, वो ईसा फाउंडेशन के लीडर हैं, और उन्होंने 2 साल पहले इस समस्या को लेकर एक रैली फॉर रिवर का कैंपेन शुरू किया। इस कैंपेन में उन्होंने लोगों से गुजारिश की कि हम सबको सामने आना चाहिए और इतनी बड़ी समस्या के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। उन्होंने लोगों से गुजारिश की कि आप पानी को बचाइए, क्योंकि देश की नदियाँ ही पानी का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं, जो कि दिन पे दिन सूखती जा रही हैं। एक सर्वे के दौरान पता चला है कि 2030 तक हमारे देश की 50% से ज़्यादा नदियाँ सूख जाएंगी और 25% रेगिस्तान बच जाएगा। एक और सर्वे के दौरान ये भी पता चला है कि हर साल 8% की दर से नदियाँ सूख रही हैं, और जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आपको बता दें, नदियाँ ही सबसे ज़्यादा सोर्स होती हैं किसानों के लिए। किसान जो कि अपनी खेती बाड़ी के लिए नदियों का पानी यूज़ करते हैं, और नदियाँ दिन पे दिन सूखती जा रही हैं। और ऐसी ही एक नदी है जिसका नाम है कावेरी। कावेरी की स्थिति इतनी ख़राब है कि उसका आधे से ज़्यादा पानी सूख चुका है। कावेरी नदी कर्नाटका में है। कर्नाटका के लोगों का कहना है कि कावेरी नदी के सूखने से हमारे जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। इसीलिए सद्गुरु ने एक नया कैंपेन शुरू कर दिया है, जिसका नाम कावेरी कॉलिंग रखा गया है। कावेरी कॉलिंग को हिंदी में कावेरी पुकारे का नाम दिया गया है। इस कैंपेन के तहत आपको सिर्फ 42 रुपये देने हैं, और ये 42 रुपये उन किसानों को जाएंगे जो कि पेड़ लगाएंगे। पेड़ जो कि बारिश का पानी रोकते हैं, और नदियों को ये बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। बारिश का पानी पेड़ ही रोकते हैं और नदियों में ऐड होते हैं। नदियाँ दिन पे दिन सूखती जा रही हैं। सद्गुरु इस कैंपेन के द्वारा लोगों में ये जागरूकता फैला रहे हैं कि हमें नदियों के पानी को बचाना चाहिए। इस कैंपेन के सपोर्ट में दुनिया भर के सेलिब्रिटीज़ दिखते नज़र आ रहे हैं। हमारे देश के बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अभिनेत्री कंगना रनौत भी इस कैंपेन के सपोर्ट में नज़र आए। ऐसे ही हॉलीवुड अभिनेता लियोनार्डो ने भी इस कैंपेन का समर्थन किया और कहा कि भारत की आधे से ज़्यादा नदियाँ खतरे में हैं, और कावेरी की स्थिति तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इसीलिए मैं भी इस कावेरी कॉलिंग को सपोर्ट करता हूँ और लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप पानी बचाएं। आपको बता दें, इस समय सद्गुरु वाराणसी के दौरे पे हैं। इस दौरे पे वो कंगना रनौत और जूही चावला के साथ हैं। उन्होंने वाराणसी का दौरा किया और लोगों से गुजारिश की कि आप गंगा का पानी बचाएं, उसे साफ रखें। उन्होंने वाराणसी के मंदिरों का दौरा किया है और लोगों से ये गुजारिश की कि आप गंगा का महत्व समझें और पानी की समस्याओं को जितनी जल्दी समझ लेंगे, हम सबके लिए अच्छा होगा। देखिए, हमें तो बचपन से ये सिखाया गया है कि जल ही जीवन है। अब हम भी जल्दी इसको समझ लें, हमारे लिए ही अच्छा होगा। नदियाँ हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, हमारे, आपके, जानवरों और सबके जीवन के लिए ज़रूरी हैं। इसलिए हम सब इस कैंपेन के लिए सपोर्ट करना चाहिए और नदियों को बचाने में मदद करनी चाहिए। चलिए, ऐसी जानकारी वाली वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल देखते रहें। हमारे पेज को फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।